क्या आपके भी घर पर भी रहते हैं बुजुर्ग दंपत्ति, तो कैसे सुरक्षित रहें? आइए हम इस बारे में आपको बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। जब बुजुर्ग घर में अकेले रहते हैं तो उन्हें कई तरह से सुरक्षा के इंतजाम कर लेना चाहिए। सुरक्षा की एक सूची हम भी दे रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। आजकल ज्यादातर बुजुर्ग माता पिता घर में अकेले रहते हैं, बच्चे नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। बुजुर्ग का अकेले रहना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। कई तरह की समस्याएं आती है जिनसे उन्हें खुद निपटना होता है। लिहाजा सेहत से लेकर अपनी सुरक्षा तक के इंतजाम आपको स्वयं करने हैं। तो आप जरूरी फोन नंबर अपने साथ रखें। एम्बुलेंस, डॉक्टर या करीबी पुलिस थाना आदि जैसे जरूरी हेल्पलाइन नंबर कागज पर लिखकर दरवाजे के पास चिपका दें। इन्हें मोबाइल में भी सेव कर लें। साथ ही आस पड़ोस के कुछ विश्वसनीय लोग वह अपने बच्चों के नंबर भी सूची में लिखे, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें फौरन कॉल कर सके। घर को सुरक्षित कैसे करें? दरवाजे पर डोर आई जरूर होना चाहिए, ताकि दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति को आप अंदर से ही देख पाए। लकड़ी के दरवाजे के अलावा एक लोहे का गेट भी होना चाहिए जिसमें बारीक जाली लगी हो। सारी खिड़कियों पर भी जाली और ग्रिल होनी चाहिए। आंगन के दरवाजे पर ताला लगा कर रखें। यहाँ सावधानी जरूर रखें, अनजान व्यक्ति को घर के अंदर ना आने दें। किसी से भी दरवाजे की जाली बंद रख कर ही बात करें। अगर आस पड़ोस के लोगों से रोज बातचीत होती है और उनका आपके घर में आना जाना है, तो उसके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अपनी दिनचर्या के बारे में किसी को ना बताएं। अगर बहुत जरूरी है तो नल या बिजली से संबंधित गड़बड़ी को सुधरवाते समय किसी विश्वसनीय व्यक्ति को साथ रखें या बच्चों को वीडियो कॉल कर लें। साफ सफाई या गाड़ी चलाने के लिए सहायक रखना है तो पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, और यदि रख लिया है तो वेरिफिकेशन का काम अविलंब कर लें। तकनीकी की मदद लें। घर के बाहर एक कैमरा जरूर लगाएं, ताकि आसपास होने वाली गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। घर में स्मोक डिटेक्टर लगाएं। घर के कुछ कुछ हिस्सों पर मोशन सेक्शन लाइट्स लगाएं। आप जैसे जैसे चलते जाएंगे ये लाइट्स भी जलती जाएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।